हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर न्यू टॉपिक मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका ट्वेल्थ इसमें पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। क्या नाम है टॉपिक का? नाम है आपका मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट क्या है? तो मॉल्स क्या होता है यहाँ पर? मॉल्स बेसिक क्या है यहाँ पर? जिस तरह से एक तरह से करेंसी, जैसे कि इंडियन करेंसी है अपनी तो रुपीज़ है, वैसे केमिस्ट्री की करेंसी क्या है यहाँ पर? मॉल्स है। तो मॉल्स क्या है? केमिस्ट्री की करेंसी है ना। जैसे कि अपन बोलते हैं वन डजन, वन डजन का मतलब क्या होता है? 12 होता है ना। वन बिलियन, वन मिलियन, वन मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख से है ना। इस तरह से अपन जैसे कि 10 लाख रुपये हैं, 10 लाख रुपये को अपन 1 मिलियन बोल देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एक केमिस्ट्री में क्या है कि एक बहुत बड़ा नंबर है 6.022 × 10⁻²। 10⁻²³ में जो नंबर होते हैं उनको मोल्स से रिप्रेजेंट किया गया है किसमें? केमिस्ट्री में। और उसको किस तरह से निकाला गया है उसको अपन आगे देखेंगे कि मोल्स किस तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है। तो पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे मेनली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पोर्शन ही है यहाँ पर इस चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल्स हमारे सोल्व होने चाहिए। तो वन मोल इज इक्वल टू, वन मोल्स को बोला जाता है बेटा अवोगाड्रो नंबर्स, अवोगाड्रो नंबर्स। और अवोगाड्रो नंबर्स को एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ए, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻²। ठीक है, तो ये वन मोल्स का वैल्यू है ना। वन मोल्स की वैल्यू कितनी है? 6.022 × 10⁻²। तो वन मोल्स का, जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि वन मोल H2 गैस, तो वन मोल्स H2 गैस, वन मोल H2 गैस का मतलब क्या है? NaH2 गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? NaH2 गैस मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हैं 6.022 × 10⁻²³ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। वन मोल H2 गैस में देखिए यहाँ पर एक चीज देखना, इस वन मोल H2 गैस में टू मोल्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके कितने एटम्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के? टू एटम्स हैं। तो वन मोल से तो कितना मोल्स हो गया? टू मोल्स होता, टू मोल्स हो गया। यदि ये टू मोल्स हाइड्रोजन गैस होता तो ये कितना हो जाता बेटा? फोर मोल्स। और यदि थ्री मोल्स होता तो कितना हो जाता? सिक्स मोल। यदि ये फोर मोल्स होता तो कितना हो जाता? एट मोल्स। तो वन टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब है टू एन ए एच एटम, टू एन ए एच एटम। नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर, वन मोल O3 गैस, ओजोन गैस, इसका मतलब क्या है? एन ए ओजोन गैस मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं इसको थ्री मोल्स ऑक्सीजन एटम, थ्री मोल्स ऑक्सीजन एटम, है ना। थ्री मोल्स क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन के एटम्स हैं वन मोल ओजोन में, है ना, थ्री मोल्स। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन थ्री एन ए ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, मोल्स से रिलेटेड सिंपल सी बातें पर पता होना चाहिए ना। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है वन मोल HNO3, वन मोल HNO3, तो वन मोल HNO3 का मतलब क्या बोलोगे आप? कितने मोल्स हाइड्रोजन है? या आप बोल सकते हैं वन मोल HNO3 मतलब वन एन एच एन ओ थ्री मोलिक्यूल्स। और यहाँ पर एटम्स में अपन बात की जाए तो इसमें क्या क्या होगा? वन मोल्स तो क्या होगा इसमें? वन मोल्स क्या होगा? हाइड्रोजन एटम। वन मोल्स क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन एटम। एंड थ्री मोल्स क्या होगा बेटा इसमें? थ्री मोल्स इसमें होगा बेटा गाइस ऑक्सीजन एटम। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस, इसमें टू मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड, टू मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड में हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो वी से दैट फोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोर मोल हाइड्रोजन एटम कितना होगा इसमें? फोर मोल हाइड्रोजन एटम
कितना, 2 मोल सल्फर एटम एंड 8 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन एटम। क्लियर है पॉइंट, है ना? ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट बताना। अब मोल्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं अपन किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो 1 मोल HNO3 में अपन बोल सकते हैं 1 Na हाइड्रोजन एटम, 1 Na नाइट्रोजन एटम एंड 3 Na ऑक्सीजन एटम। 2 मोल्स H2SO4 में कितना होगा, 4 Na हाइड्रोजन एटम, 2 Na सल्फर एटम एंड 8 Na ऑक्सीजन एटम। और Na की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर Na की वैल्यू है 6.022 × 10²³। एक बात तो देखिए, यहाँ पर मोल इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, और एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास। 1 मोल का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 मोल मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो ये बोला जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल O2 गैस, तो इसका मतलब है 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब है 28 ग्राम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32। नाइट्रोजन कितना होता है, 14, तो 2 नाइट्रोजन कितना होगा, 28। ये तो बोला जाता है आपसे 1 मोल HNO3, ठीक है, तो 1 + 14 15, 15 और ये 48 कितना हो जाएगा, 63, तो 63 ग्राम HNO3। 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH, 23 + 16, 23 + 1 कितना हो गया, 24 + 16 40, तो 40 ग्राम क्या हो जाएगा, ये NaOH ना। 1 मोल्स का मतलब ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल्स का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है, मोल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो अपने यहाँ पर देखी है। तो जैसे 2 मोल्स HNO3 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 2 मोल्स ऑफ NaOH होता तो ये 8 हो जाता, 2 मोल्स ऑफ HNO3 होता तो ये कितना हो जाता, 126 हो जाता, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होता तो कितना हो जाता, ये 56 हो जाता, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होता तो ये 64 हो जाता, है ना। तो ये मोल्स का बेसिक बातें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोल्स के फॉर्मूले के बारे में, मोल्स के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखिए, फॉर्मूला ऑफ मोल, फॉर्मूला ऑफ मोल कैलकुलेशन, है ना, मोल्स के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले। तो यहाँ पर देखिए, 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोल्स के। मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, फर्स्ट फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल फॉर्म में यहां लिख सकते हैं अपन, इसका है फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट किस में लिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, वेट किस में लिया जाएगा, ये ग्राम्स में, ठीक है। तो अपन ने बोला था कि 1 मोल्स का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर 1 मोल
नाइट्रोजन गैस। कैलकुलेट वेट ऑफ वन मोल नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो वेट आपको पता है, मतलब क्या पता है आपको, ऊपर वाली चीज़ पता है और मोल्स आपको पता है ना, तो वेट आपको कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर मास 28 है, तो मोल्स का फॉर्मूला लिखोगे आप, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आपको मोल्स पता है, मोल्स कितना है बेटा 1, वेट आपको कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर वेट कितना है 28, तो W कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 ग्राम। तो अभी अपने बोला था कि 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितना होता है 28 ग्राम, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोल्स का फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोल्स का। सेकंड फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एटम हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है और आयन हो सकता है ना। तो मोल्स इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपके हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 3.01 × 10⁴ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल्स कैलकुलेट करना है और आपको क्या गिवन है, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना है, 3.01 × 10⁴ अपॉन 6.02 × 10⁔। ठीक है, तो 10⁰ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10 और नीचे 3, और ये कितने भी बार कट होगा 2 टाइम्स, तो 10/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 मोल, कितना आ जाएगा 5 मोल। क्वेश्चन क्लियर है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 × 10⁴ नाइट्रोजन गैस। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपके पास मोल्स है तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, कैलकुलेट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन इफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 5, है ना, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 5, और आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए अब आपको मोल्स पता है, वेट निकालना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल्स कितना है बेटा यहाँ पर 5, और वेट आपको कैलकुलेट करना है, और मोलिकुलर मास कितना है इसका 28। तो वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 28 × 5, 144 हो जाएगा। ठीक है ना, 140 किसमें, ग्राम्स में, 140 क्या है ग्राम। दोनों फॉर्मूले क्लियर है, यदि आपको वेट गिवन है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यदि आपको नंबर्स गिवन है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। क्लियर है, ठीक है, दो फॉर्मूले अपन ने देख लिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकेंड फॉर्मूला मोल्स की कैलकुलेशन के लिए।
देखिए नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला मोल्स के लिए, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ गैस भी किसमें आएगी यहाँ पर, लीटर में, या वॉल्यूम ऑफ गैस मिलीलीटर ml, वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें ml में, अपॉन 22400 ml, है ना। एट एस टी पी एंड NTP कंडीशन, STP या NTP कंडीशन। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा 1 ATM, और प्रेशर क्या होगा 1 ATM 1 bar, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा वहाँ पर 1 bar, और नॉर्मल होता है 1 ATM एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट मोल्स। फर्स्ट यहाँ पर है कैलकुलेट मोल्स इन 11.2 लीटर NH3 गैस, कैलकुलेट मोल्स इन 11.2 लीटर NH3 गैस। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना है 11.2 है, और 22.4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.5 मोल, ठीक है। ओके जी, तो देखिए बच्चे आप लोगों ने तीनों फॉर्मूले को देख लिया है, और तीनों फॉर्मूले से आप मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वह वेट से रिलेटेड है, सेकंड जो फॉर्मूला है वह नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है, और थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम से रिलेटेड। यदि आपसे बोलता हूँ मैं कि 30 ग्राम NH3 गैस है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। यदि मैं बोलता हूँ कि 20 NH3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, 20 NH3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड। यदि मैं बोलता हूँ कि 5 लीटर NH3 गैस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड। तीनों बात क्लियर है। यदि मैं बोलता हूँ 20 ग्राम NH3 है, तो कौन सा, फर्स्ट। यदि मैं बोलता हूँ कि 20 NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेकंड वाला फॉर्मूला। और यदि बोलता हूँ कि 20 लीटर NH3 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, थर्ड वाला। तो तीनों फॉर्मूले को याद रखना है आपको। तो फर्स्ट फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, सेकंड वाला फॉर्मूला है नंबर्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर्स, और थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब इन फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं कि तीनों फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूले को एक साथ लिख लेते हैं अपन। तो मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो मोल है एन, और इसके फॉर्मूले कौन कौन सा है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, सेकेंड फॉर्मूला है नंबर्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर्स, और थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को आपस में कोरिलेटेड कर सकते हैं अपन, है ना। तो तीनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर्स, वॉल्यूम अपॉन 22.4। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि 11.2 लीटर NH3 गैस कैलकुलेट वेट ऑफ NH3, कैलकुलेट वेट ऑफ NH3। ओके, तो वेट ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है आप लोगों को, किसके लिए, 11.2 लीटर के लिए। तो क्या करोगे बताइए मुझे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये मोल्स का फॉर्मूला, ये मोल्स का फॉर्मूले को आपस में कोरिलेटेड कर देंगे, क्योंकि 11.2 है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज भी करेंगे यहाँ पर 11.2, तो 11. वॉल्यूम लिख दिया आपने, और अपॉन 22.4 लिख दिया। कैलकुलेट वेट करना है, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट,
तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, जो जो दे रखा है ना उसके लिए फॉर्मूले लिख लेना है। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ये क्या है आपस में मोल्स का रिलेशन है। तो आगे सोल्व कर सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 11.2 अपॉन 22.4, वेट आपको कैलकुलेट करना है 14 नाइट्रोजन का, 3 प्लस 17 हो जाएगा है ना, तो 17 इधर जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो 17/2 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, 17/2 कितना होगा 8.5, तो ये आंसर जाएगा हमारे पास 8.5 ग्राम। क्लियर है क्वेश्चन? ओके ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से अपन, तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अपन आपस में कोरिलेटेड करके कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट पूछ जाता है जैसे कि 11.2 लीटर में अमोनिया के मोल्स क्या होंगे, तो वेट अपॉन कितना मोल्स जाएगा 0.5 मोल्स जाएगा है ना, अरे बात समझ रहे हो ना, 11.2 लीटर में यदि अमोनिया के मोल्स आपसे पूछ जाता है तो मोल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 तो कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि 8.5 ग्राम NH3 में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो 8.5 अपॉन 17 कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन 12.04 इंटू 10^22 नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन STP या NTP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल तो कितना होता है 25, और स्टैंडर्ड माना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273, इसका 298 हो जाएगा, ये 1 atm प्रेशर, ये 1 bar प्रेशर, वो अपन देखेंगे 1 atm 1 bar क्या होता है, कर लोगे। तो क्या करना है इसमें आपको, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम में रिलेशन क्या था, वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर्स, बस। तो क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको अपॉन 22.4 नीचे लिखना है, नंबर्स कितना है 12.04 इंटू 10^22 अपॉन 6.02 इंटू 10^23, ये कैंसिल होगा इससे 2 times, ये कैंसिल होगा, नीचे बचेगा कितना 10, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन 5 होगा, कितना हो जाएगा ये 4.48 लीटर होगा, 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस के थोड़ी से न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन को करनी है, यहाँ पर मोल से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर देखनी है अपन को है ना। तो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन और देखिए क्या बन सकते हैं, जैसे कि आपसे बोल सकता है कि
8 ग्राम O2 गैस, 8 ग्राम O2 गैस आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, कैलकुलेट हाउ मेनी, कैलकुलेट हाउ मेनी CO2, हाउ मेनी मोल्स, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स CO2 गैस आर फॉर्म्ड। 8 ग्राम O2 गैस आर प्रेजेंट, कैलकुलेट हाउ मेनी CO2 गैस आर, हाउ मेनी मोल्स CO2 गैस आर फॉर्म्ड। तो 8 ग्राम O2 से कितने मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 8 ग्राम O2 से कितनी बनती है ना, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि यदि 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 में कितना ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम क्या है, O2 है ना। 1 मोल्स का फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम, क्योंकि 1 मोल्स का मतलब कितना बेटा, यहाँ पर 1 मोल्स का मतलब है 12, तो ये है प्लस 34, 32 ये है, टोटल वेट कितना हो गया 44, कार्बन का 12 और 32 ऑक्सीजन का, मतलब 1 मोल्स में, क्योंकि 1 मोल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो 1 मोल्स में कितना परसेंट है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो 1 मोल्स का फॉर्मेशन होगा CO2 का। तो यहाँ पर अपन यूनिटरी मेथड लगाना है सिंपल, 32 ग्राम ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड, 32 ग्राम ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड, 1 मोल CO2, सो 8 ग्राम O2 आर फॉर्म्ड 1/32 × 8 कितना हो जाएगा, ये 1/4 मोल, 1/4 मोल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि यदि 8 ग्राम O2 है तो उससे कितने मोल CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से और क्वेश्चन भी बना सकते हैं अपन, जैसे कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 फ्रॉम 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 फ्रॉम 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, क्या दिमाग में आता है तुम्हारे, ये 32 ग्राम यदि O2 है तो उससे कितने मोल्स H2SO4 का फॉर्मेशन हो सकता है, तो यदि 1 मोल H2SO4 का फॉर्मेशन यदि हम करते हैं तो उसमें 64 ग्राम क्या होगा, O2 होगा। 1 मोल H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें कितना होगा, 64 ग्राम क्या होगा, O2 होगा। तो इसको रिवर्स करके बोल सकते हैं कि यदि 64 ग्राम O2 गैस आर फॉर्म्ड 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4, सो 64 सॉरी कितना 32 ग्राम से कितना बनेगा, तो 1/64 × 32 कितना हो जाएगा, ये 0.5 मोल, 0.5 मोल H2SO4, ठीक है बच्चों। तो बच्चे अपन ने मोल्स को अपन ने देखा है, यहाँ पर मोल्स को थोड़ा डील किया है हल्का सा, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि मोल्स के क्या क्या डिफरेंट लेवल्स के इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं आगे क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, तो आगे देखते हैं मोल्स से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन मोल्स से रिलेटेड,
देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 34 ग्राम NH3। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपसे पूछा है मोल्स में। तो यदि मुझे NH3 के मोल्स पता हों और NH3 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता हो, तो उसको यदि मोल्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, मोल्स इज इक्वल टू पहले NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। तो फॉर्मूला आएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट यहाँ पर 34 ग्राम है और मोलिकुलर मास इसका 17 है, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 मोल NH3 आ चुका है, 2 मोल्स क्या आ चुका है NH3। ओके, 2 मोल्स ऑफ NH3 है। यदि हम बात करें कि NH3 के मॉलिक्यूल्स के बारे में, NH3 तो NH3 में एक तो प्रेजेंट है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास क्या है 14, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर जानते हो आप लोग एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के नंबर्स को, और ये एटॉमिक मास, ये क्या है ऊपर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स के सम को। ओके, तो नाइट्रोजन्स में बात की जाए कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 एटॉमिक नंबर के इक्वल, और प्रोटॉन्स भी क्या होंगे इसमें, 7 एटॉमिक नंबर के इक्वल। और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, 1, प्रोटॉन्स भी कितना है 1, और न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो NH3 में अपन बात करें कि NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन्स कितना होगा, 7 नाइट्रोजन के और एक हाइड्रोजन में एक है, तो 3 हाइड्रोजन में 3 होंगे, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये भी 10। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में के न्यूट्रॉन्स तो कितना होता है, 0, तो 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 7। तो NH3 के एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 है हमारे पास। यदि एक NH3 के मॉलिक्यूल के पास में ये हैं तो 2 मोल्स के पास में कितने होंगे, सो 2 मोल NH3 आर हैव, 2 मोल्स ऑफ NH3 आर हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल्स के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 मोल्स के पास में कितना होगा, 2 मोल्स, 2 × 10, 2 × 10 मोल। प्रोटॉन्स कितना होगा, एक मॉलिक्यूल्स के पास में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 मोल्स के पास में कितना होगा, 2 × 10 मतलब 20। और 2 मोल, एक मॉलिक्यूल्स के पास में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 मोल्स के पास में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतने मोल्स न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 20 मोल्स इलेक्ट्रॉन से, 10 मोल्स, 20 मोल्स ही प्रोटॉन से, और 14 मोल्स क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर बताने बस, केवल अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर अपन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ओके बच्चों, तो मोल्स ऑफ H2O कितने देंगे, मोल्स ऑफ H2O वेट अपॉन मोलिकुलर वेट फॉर्मूला लगाओगे, तो वेट कितना है यहाँ पर, 36
और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो कितना हो जाएगा ये 2 मोल, 2 मोल क्या H2O, 2 मोल्स H2O। तो H2O के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हम जानते हैं कि H2O हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2, एक हाइड्रोजन के पास में एक, दो हाइड्रोजन के पास में दो, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 10। यहाँ पर भी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10, और ऑक्सीजन के में न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8, हाइड्रोजन में तो 0 होंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितना होता है 0 और ऑक्सीजन में एटॉमिक मास इसका 16, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल इसके पास में कितना है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसके पास में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2Na, 2Na H2O मॉलिक्यूल्स, 2Na H2O मॉलिक्यूल्स आर हैव, आर हैव इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20Na, 20Na प्रोटॉन्स भी कितना होगा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20Na और न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16Na। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास में और एक मॉलिक्यूल के पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना सिंपल फॉर्म में कि एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने के आएंगे, 50 रुपये के, है ना। एक पेन का एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 20Na हो जाएगा। एक पेन 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने का आएंगे, तो 5 × 10 ही तो करेंगे उसमें। वही काम यहाँ पर क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन हैं, एक मॉलिक्यूल्स में 10 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 मोल्स में कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई।